जब मैं 12th में था तब तो MBA का था फैड, आए होंगे बहुत MBAs होंगे यहाँ पे, MBA है कोई? ये देखो ऑफ कोर्स आप भी हो, MBA हो गया, खत्म हो गया, कितना साल का था? दो साल। क्या फिर उसके बाद क्या? उसके बाद दुकान पे बैठते हो? किसकी? बाप की दुकान पे बैठते हो? तुम तो सही कर रहे हो भाई, ये तो MBA का काम है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, और अब तुम जाके दुकान पे बैठते हो ना, ये पहले मिले हो तुम, बाकी सब जाके नौकरी करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और उनको लगता है कि वो सही चीज कर रहा है, और उनके चुतियापे की वजह से तुमको लग रहा है कि तुम गलत चीज कर रहे हो। पर एक्चुअली तुम पहले MBA मुझे मिले हो जो बिजनेस संभाल रहा है, तो कोई गिल्ट में मत रहना कि ये चूतिया नौकरी करने वाले तुमसे सुपीरियर है। MBA वाले बता नहीं पड़ते, वो खुद अपना जॉब डिस्क्राइब नहीं कर पाते MBA वाले, उनसे पूछो व्हाट डू यू डू, वो बोलेंगे आई वर्क फॉर अ ब्रांड एंड आई वर्क ऑन कम्युनिकेशन वेयर वी मेक श्योर दैट वी हैव अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद आवर कंज्यूमर एट ऑल टाइम्स सो दैट वी आर द टॉप रिकॉल वैल्यू व्हेनेवर ही इज लुकिंग टू बाय समथिंग इन आवर सेगमेंट। बंदा डिटर्जेंट वाली कंपनी में काम करता है, डिटर्जेंट वैसा प्रोडक्ट है कि कोई खरीदने नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि मेरा मन हो रहा है मैं घड़ी की टिकिया खरीदूंगा आज, कोई मैंने नहीं देखा है सुपरमार्केट पे अपसेट हो गया डिटर्जेंट कैसे नहीं है यहाँ, और ये गांडू पे ले जा रहा है। MBA लोग मैं बहुत मतलब चार MBA एक रूम में होता है मैं निकल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टू मच फॉर मी, ज़्यादा हो गया मेरे लिए, I'm going, नहीं आ सकते यार बिकॉज इतना गैस होता है वो रूम में यार। तो चलो मैं बोलता हूँ अगर सब दुनिया का हर मार्केटिंग MBA ना एक हफ्ता ना MBA गिरी ना करे, दुनिया को झाट फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर दुनिया के सब प्लम्बर ना 8 घंटे प्लम्बिंग नहीं करे भाई, ओबामा वीडियो डालेगा मत करो ऐसा, UN आ जाएगा, रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगा। एक सेकंड यार ये चल रहा है कुछ, मार्केटिंग MBA के नॉट डू अ प्लम्बर्स जॉब, उसमें एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा, कहाँ आदत है कुछ करने की। मैं ऑफिस जाता था मार्केटिंग MBA उधर लगा होता था अपने प्लान बताते हुए, कुछ भी बक रहा है हमको करना है, लाइक क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब एक दिन मैं ऑफिस गया, मार्केटिंग वाला बोल रहा है आवर क्लाइंट इज ओपनिंग अ ब्रांच इन केरला एंड टू मिक्स केरलास कल्चर विद द ब्रांड्स आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू गेट एन एलिफेंट हियर, द एलिफेंट वुड ग्रीट आवर एस्टीम्ड गेस्ट बाय थ्रोइंग रोज वाटर ऑन देम। Culture, brand, strength, integrated. ये सब हाथी को बताएगा कौन? आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये हाथी वाला तो मेरे पे आएगा ना फाइनली। This communication from the brand side, I'll have to convey the culture, strength, brand integrated. In our school, they teach elephant is wild animal. So in MBA, I don't know. I'm going to go with MBA. First, you try, then you deny. गया मैं लिखा गूगल पे हाथी चाहिए केरला में जो एस्टीम गैस पे रोज वाटर फेंक है। इंडिया इतना ब्यूटीफुल देश है, चार हाथी मिला, एक हाथी 10,000 में रेडी है, एक 8,000 में रेडी है, एक 6,000 में रेडी है, चौथा वाला बोल रहा है सर आप काम देख लो, जो मैं काम करने थोड़ी जो आ रहा हूं, मैं रिलेशन बनाने आ रहा हूं।
भाई बहुत आगे जाएगा ये, हत्तियों का मोदी है ये, सही नोट पकड़ा है। एक दिन ये सब हाथी लोग को इकट्ठा करेगा और बोलेगा ये टेंट के अंदर जाओ, तुम्हारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। सब हाथी लोग जाएंगे अंदर, खुशी खुशी अडानी उनका दांत खींच रहा है। हाथी बाहर आएंगे एकदम खुश, बोलेंगे मोदी जी ठीक हो गए, ठीक हो गए, ये आग के सामने जो तो पॉइंटलेस डंडे दिखते थे वो दिख ही नहीं रहे, थैंक यू मोदी जी। फोटो आएगा हाथी और मोदी जी का, जिधर मोदी जी बड़े हैं एज पर प्रोटोकॉल। भाई क्या हाथी था वो यार, वो खुद कॉल टाइम पे आया, एस्टीम गैस पे रोज वाटर फेंक रहा है, एस्टीम गैस को पहचान रहा है, आदमी सूट में जा रहा है हाथी रोज वाटर फेंक रहा है, आदमी वेस्टकोट में पनीर टिका लेके जा रहा था। मेरा टीडीएस कटता है ठीक है, टैक्स पेइंग एलिफेंट ऑफ दिस कंट्री। एक फॉर्च्यूनर में एमपी आया रिबन काटने, बिकॉज फॉर्च्यूनर में नहीं आता तो हमको कैसे पता चलता है एमपी है। हाथी ने उसको दूर से स्पॉट कर लिया, बोला ये है इंपॉर्टेंट, इधर का आदमी यही है, जो भी है ये है। हाथी उसको दूर से पीआर कर रहा है, लाइक सूंडी लाई ला के पैर उठा के सल्यूट कर रहा है। एमपी पे हाथी ने इतना रोज वाटर डाला, एमपी वाज नहीं खुश हो गया, मस्त एकदम खुशी का माहौल, भाइयों में मौज, सब पीआर कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हाथी क्यों कर रहा है तेरे को, क्या अपने बेटे का एडमिशन जू में कराना है क्यों, मतलब हम लोग का। मैं एमबीए के साथ कर रहा हूँ सर, वो आपका ट्राई डिनाई वाला तो सही था कि जब तक बंदा ट्राई ना करे, एमबीए वाला ठीक ठीक है बाद में आना, एमबीए क्लाइंट के साथ लगा। सो टू मिक्स केरला कल्चर द ब्रांड्स आइडेंटिटी वी गॉट एन एलिफेंट हियर बिकॉज़ एन एलिफेंट सिग्निफाइज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इज अस। क्लाइंट उसको बोला ठीक है बाद में, क्लाइंट एमबीए के साथ लगा हुआ है सर, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। उतने में खुशी खुशी में किसी ने फटाके जला दिए, तभी हाथी हो गया हाथी। सब अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस भूल गया, उसने रोज वाटर फेंका वो भागा, पूरा पेंडोल गिरा दिया। उसके बाद एमपी के फॉर्चुनर पे बैठ गए। अभी ये सेम लुक रिवर्स में एक्सचेंज हो रहा है, एमपी क्लाइंट को देख रहा है, क्लाइंट एमबीए को देख रहा है, एमबीए मेरे को देख रहा है, मैं हाथी को देख रहा हूँ, कोई भी फटाके वाले की तरफ नहीं देख रहा है। मतलब इतने दिग्गज लोग इकट्ठा होते हैं तो लॉजिक वहीं से कट लेता है, लॉजिक बोलता है हम तो फकीर आदमी है, झूला उठा के चल पड़ेंगे यहीं। जैसे ही फटाके रुके हाथी एकदम नॉर्मल हो गया, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसका कुछ लेना देना ही नहीं। एमबीए मेरे को बोल रहा है यू डिडंट ब्रीफ हिम राइट, मैं बोल रहा है आई ईमेल्ड आल्सो। हाथी वापस रोज वाटर की तरफ जा रहा है, कौन किया ये सब, ये मैंने नहीं किया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हुआ है कुछ किया है